नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेरी होता है कि म्यूचुअल फंड से पेंशन SWP मिलता कैसे है और कैसे पैसा बाद में डबल भी हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो पहले तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि कब कब मूलधन आपका ज़्यादा हो सकता है और कब कब मूलधन कम हो सकता है। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपया पर मंथ लिया, 15 साल के बाद कब आपका मूलधन 1 करोड़ से 2 करोड़ हो सकता है और कब आपका मूलधन जो 1 करोड़ रुपया लगाया था वो कम हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब खाते गया और मूलधन से कट के पैसा आपका जीरो हो गया या थोड़ा सा कुछ बच गया लेकिन मूलधन से कम हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या होता है। 1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपये पर मंथ लिया, आने वाले 15 साल तक 60,000 रुपये लेते रहेंगे और मात्र 10% का रिटर्न हो तो 1 करोड़ 8 लाख पेंशन ड्रॉ कर लेंगे और बाद में बैलेंस बच जाएगा 1 करोड़ 94 लाख। मतलब 1 करोड़ रुपया लगाया, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, लेते लेते हम कितना ले लिए वापस अकाउंट में, 1 करोड़ 8 लाख। और बाद में वो 1 करोड़ जो लगाए थे वो बढ़ के भी 1 करोड़ 94 लाख हो गया। कैसे हुआ इसका कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 करोड़ लगाया और 60,000 रुपये विड्रॉ किया, जबकि इंटरेस्ट कितना अर्न किए थे 10% के हिसाब से, 1 मंथ का अगले ही महीने का जो इंटरेस्ट बना 10% सालाना के हिसाब से 82,000 रुपया बना, और जबकि विड्रॉ इतना किए तो बच गया कितना, 1 करोड़ 22,833 रुपया। फिर दूसरे महीने 83,000 रुपया अर्न किए, उसमें से 60,000 रुपया ये तो कांस्टेंट है, 60,000 रुपया ले लिए, तो फिर बचा 1 करोड़ 45,856 रुपया। इस तरह से महीने दर महीने ये चलता गया, जबकि हमने कितना कैलकुलेट किया है, एवरेज 10% का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया है। तो लास्ट में देखेंगे धीरे धीरे पैसा बढ़ते बढ़ते बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम 60,000 खा रहे हैं तो 12 महीने में बढ़ 72, 7.2 खा रहे हैं, जबकि मिल कितना रहा है 10%। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया 1 करोड़ 94 लाख 63 हज़ार, जो मूलधन था वो बढ़ के 1 करोड़ 94 लाख हो गया और जो पेंशन है कॉन्स्टेंट हम 60-60 हज़ार रुपया खाते आ रहे हैं। अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि 10% नहीं मिलता, कम मिलता, कितना कम मिलता, तो 7.3 तक आ गया। अगर 9% भी मिलेगा तो मूलधन से ज़्यादा पैसा मिलेगा, 8% भी मिलेगा तो 1 करोड़ जो पैसा है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन थ्रेशोल्ड लेवल 7.3 मिले तो 1 करोड़ लगाया था, 60,000 रुपये पर मंथ ले रहे थे, 15 साल तक लेते रहे और रिटर्न 7.3 ही रहता तो 1 करोड़ 8 लाख पेंशन ड्रॉ कर लेते और बाद में बैलेंस हमारा बचता 1 करोड़ 1 लाख। मतलब जितना जमा किए थे उतना ही बचा, बाकी खा के इतना गए 1 करोड़ 8 लाख। अब इसका कैश फ्लो देखते हैं। 1 करोड़ लगाया और 60,000 रुपये विड्रॉ किया, जबकि इंटरेस्ट जो अर्न हुआ 60,468 रुपया इतना ही अर्न हुआ। मतलब जितना एक महीने में ड्रॉ किया पेंशन उतना ही लगभग इंटरेस्ट अर्न हुआ। हर महीने देखेंगे लगभग 60,000 60,000 60,000 करके इतना ही अर्न हुआ, तो बैलेंस कितना बचा, थोड़ा सा बढ़ा, जो 60,000 लिए 541 रुपया इसका बच के वहाँ पे जमा हो गया। इस तरह से चलता गया। यदि 7.3 का रिटर्न मिले तो आपका मूलधन सुरक्षित है और जितना इंटरेस्ट मिल रहा है लगभग आप वो खा रहे हैं, थोड़ा सा 1,500 रुपया जो बचा वो यहाँ के जमा हो गया, तो 1 करोड़ 1 लाख 92,377 रुपया, मतलब 1 लाख रुपया आपका बढ़ गया। ये तो हुआ तब जब आपका 7.3 का रिटर्न मिले। कितना रिटर्न हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, 7.3, पर इससे अगर कम हो जाए तो, अगर इससे कम हो जाए तो मान लेते कि 6% हो जाए, अगर तो 6% हो जाए तो पेंशन टोटल ड्रॉ तो उतना ही होगा, 60-60 हज़ार कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, 1 करोड़ 8 लाख, बाद में बैलेंस बचेगा 70 लाख रुपया। मतलब मूलधन से हम पैसा खा गए, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं मिला, मार्केट इतना अच्छा नहीं था लंबे समय तक, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपका पैसा जो है मार्केट जो गिरा रहा वो गिरा रहा 3-4 साल 5 साल 10 साल तक गिरा रहा। ऐसा अगर होगा तो सारे बैंक दिवालिया कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि बैंकों ने भी तो वही पैसा लगाया है। तो यहाँ पे इसका कैश फ्लो देखते हैं कि ये कम कैसे हो गया। अब इसका कैश फ्लो देखते हैं। 1 करोड़ लगाया था, 60,000 रुपया लिया, जबकि इंटरेस्ट 49,700 ही बना। जब इंटरेस्ट कम बना और ड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 11,000 रुपया जो है आपको मूलधन से काटना पड़ेगा, तो मूलधन कम हो गया। फिर 1 साल के बाद देखते हैं, हर महीने ले ही रहे हैं, इंटरेस्ट 48,000 ही बना,
जबकि आपने पेंशन कितना लिया 60,000, तो और कम हो जाएगा। ऐसे करके कम होते होते लास्ट में देखेंगे कि बैलेंस जो है, जो 1 करोड़ रुपया लगाया था वो घटता चला गया। दूसरे केस में क्या देख रहे थे, यहाँ पे बढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, 10% में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन 6% के केस में देखते हैं कि पैसा गिर के, मतलब उससे हम पैसा गिरा नहीं है, उससे हम खा लिए, उससे खा के क्या हो गया, 70,04,000 रुपया बचा। 6% के रेट से अगर ऐसा होगा तो आपका मूलधन कम हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं, 1 करोड़ लगाया, 60,000 लिया, 15 साल तक लेते रहा, 6% के रेट से 1,08,00,000 तो वापस अकाउंट में आ गया और बाद में बैलेंस बचा 70,04,000। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक लाइव एग्जांपल लेके देखते हैं। 2006 में 1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपया लेना शुरू किया 2022 तक, तो लगभग कितना साल हो गया, 16 साल। कैश फ्लो देखते हैं यहाँ पे, 1 करोड़ लगाया था और 60,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया, टोटल पेंशन ड्रॉ कर लिया 1,17,00,000 रुपया और बैलेंस बच गया 2,29,00,000 रुपया। दोनों का अगर जोड़ते हैं तो टोटल वर्थ हो जाता है 3,46,00,000 रुपया। हाथ में बैलेंस तो बचा 2,29,00,000 ही, लगाए कितना थे 1 करोड़, वो बढ़ के कितना हो गया 2,29,00,000। अगर ओवरऑल तामझाम का रिटर्न देखेंगे 10.89 आया, ये 10.89 कम दिख रहा है। क्यों, इस फंड का रिटर्न देखेंगे तो ज्यादा मिलेगा। कम इसलिए मिल रहा है कि आप 60,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, अगर वो ना लिए होते, वो भी पैसा वहां जमा होता तो उसका भी कुछ ना कुछ बढ़ता ना, तो बढ़ा हुआ चीज यहाँ पे माइनस है, इसलिए आपको 10.89% दिख रहा है। अब इसका कैश फ्लो देखते हैं। 2006 में जब 1 करोड़ रुपये लगाया था तब एनएवी का रेट 10.44 रुपये था उस समय, एसबीआई ब्लू चिप का, तो प्लस में जब पैसा जेब से गया तो यहाँ पे प्लस में दिख रहा है आपने जमा किया, और जब फंड से निकाल रहे हैं तो माइनस में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। यूनिट आपको कितना मिला, 1 करोड़ लगाया, 10 रुपये के रेट से यूनिट कितना मिल गया, इतना मिल गया, 9,57,000 आपको यूनिट मिल गया। अब जब बेचा तो कितना यूनिट बिका, 5,676 यूनिट बिक गया, 60,000 खाए अकाउंट में आया तो इतना बिक गया। बिकने के बाद बैलेंस कितना बचा, ये प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस दिख रहा है, आपने 1 करोड़ लगाया, 60,000 निकाला तो इतना बैलेंस बच गया, फिर 60,000 निकाला तो इतना बैलेंस बच गया, फिर 60,000 निकाला तो इतना बैलेंस बच गया। ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को दिखा रहा है, लेकिन एज पर मार्केट, मार्केट में पैसा बढ़ा और आपने इंटरेस्ट खाने के बाद भी बैलेंस बर्थ बच गया 1,64,000 रुपया। अब देखेंगे ये कभी कभी गिर जाएगा, 1,64,00,000, फिर 1,03,00,000, 1,07,00,000, 1,10,00,000, अभी देखेंगे 99,00,000 हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पे देखिएगा एनएवी का रेट देखिए 10.84 रुपया, जबकि 10.96 तक भी गया था। जब 10.44 रुपया हुआ, यूनिट का रेट कम हुआ, तो आपका यहाँ पे पैसा कम दिख रहा है। तो इसी तरह से ये चलता गया, एनएवी जिस तरह से बढ़ता गया, एनएवी 7 रुपया पे आ गया एनएवी, तो देखिए कितना कम हो गया। कम हो गया तो क्या हो गया, मूलधन भी कम हो गया, 1 करोड़ लगाया था 60,00,000 ही बचा, लेकिन धैर्य पूर्वक यहाँ पे बने रहे तो अब 12 रुपया 13 रुपया 14 रुपया हो गया। 14 रुपया पे क्या स्थिति है, 1,04,00,000 हो गया, जबकि पेंशन भी मिल रहा है, 60,000 रुपये हम यहाँ पे ड्रॉ कर ही रहे हैं। इस तरह से करके आगे बढ़ते गए, जो 10 रुपया से एनएवी शुरू हुआ था, यहाँ पे देखेंगे 35 भी हो गया, 37 भी हो गया, 40, 52, इस तरह से करके लास्ट में देखते हैं नवंबर 2022 में 64 रुपया पे है। जब ये 64 रुपया पे है तो बैलेंस कितना बच गया, 2,29,00,000 रुपया। तो इस तरह से लाइव आप देख रहे हैं कि आपने लगाया तो 1 करोड़ था, 60,000 पेंशन लिया, ऊपर नीचे मार्केट हुआ, लेकिन एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पे दे दिया 10.89%, तो बाद में बैलेंस वर्थ भी बच गया 2,29,00,000 रुपया। अब आपका क्वेश्चन होता है कि हमको ये सब समझ में नहीं आता है, हम तो ये सब नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, हम तो वही करेंगे, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, तो वही देगा। 1 करोड़ लगाया, 60,000 लिया, 7.3 का एवरेज अगर हुआ तो आपके पास बैलेंस 1,01,00,000 बचा हुआ रहेगा, मतलब जो 1 करोड़ रखा था वो हमेशा बरकरार रहेगा और 60,000 रुपये लेते रहेंगे। लेकिन कोई भी स्कीम जो सेफ, सेफर, सेफेस्ट जिसको बोलते हैं आप, 15 साल के लिए लिख के आपको नहीं दे रहा है कि आपको इसी इंटरेस्ट पे आपको पेंशन देते रहेंगे। वो 5 साल, 7 साल, 8 साल के लिए बोलेंगे, उसके बाद चेंज होगा, रिवाइज होगा, खट से 2% गिर जाएगा। अगर ये
15 साल के बाद जो 7.3 अभी है 5% हो जाए तो आपके पास मूलधन बचेगा 50 लाख रुपया। जब ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, घुरपुर हिलचुल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, जिसको आप सेफ सेफर बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं मार्केट में ही लगा दिया जाए? वहां अपॉर्चुनिटी है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ बच गया, बाद में बैलेंस भी बच गया। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं मार्केट में नहीं लगाऊंगा या समझ में नहीं आता है, आप पैसा यहां लगाएं या यहां लगाएं, आपका पैसा लेके मार्केट में म्यूचुअल फंड में ही लगाया जाएगा। आप अगर सेफ सेफर जगह लगाएंगे तो 7% 8% के रूप में आपको वापस कर दिया जाएगा, बाकी जो फायदा है वो उस संस्था रख लेंगे। और मार्केट में लगाएंगे तो फायदा भी आपका, नुकसान भी आपका। नुकसान लंबे समय में होता नहीं है, आपने रिकॉर्ड देख ही लिया है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।